देख रहे हैं पीएमएस मीडिया, मैं हूं आपके साथ साक्षी टुलेजा। इंग्लैंड एवं वेल्स में 23 मई से क्रिकेट के महाकुंभ यानी आईसीसी विश्व कप का आगाज होने जा रहा है। क्रिकेट के इस बड़े खिताब को हासिल करने के लिए 10 टीमें एक दूसरे से टकराएंगी। इस विश्व कप के फॉर्मेट में बदलाव भी हुआ है और इस बार राउंड रॉबिन फॉर्मेट में टीमें खिताबी जंग के लिए जदोजहद करेगी। विश्व कप के इस 12वें सीजन में कुल 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं और राउंड रॉबिन फॉर्मेट के हिसाब से हर टीम को 9 मैच खेलने हैं। इसके अलावा इस विश्व कप में 7 नए नियम भी लागू होने वाले हैं, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो बता दूं कि सबसे पहला नियम ये है कि पहले किसी गेंदबाज के नो बॉल फेंकने पर अगर बाई या लेग बाई से रन बनता था तो उसे नो बॉल में जोड़ा जाता था, मगर अब ऐसा नहीं होगा। नो बॉल और बाई लेग बाई का रन अलग से जुड़ेगा। इसी के साथ दूसरा नियम ये है कि पहले रन आउट या स्टंपिंग के मामले में बैट के ऑन द लाइन होने पर आउट नहीं दिया जाता था, लेकिन अब इस नियम को बदला जा चुका है। अगर अब बल्ला लाइन पर होगा तो भी आउट करार दिया जाएगा। हालांकि बैट या बल्लेबाज का पैर लाइन के अंदर या हवा में होगा तो बल्लेबाज को आउट नहीं दिया जाएगा। तीसरा नियम ये है कि नए नियम के अनुसार गेंद 2 बार बाउंस हुई तो नो बॉल करार दिया जाएगा। अगर गेंदबाज के गेंद डालने पर गेंद 2 बाउंस के साथ बल्लेबाज तक जाती है तो उसे नो बॉल माना जाता है। नो बॉल पर बल्लेबाज को फ्री हिट भी मिलती है। पहले नो बॉल देने का नियम बिल्कुल भी नहीं था, जो कि अब लागू हो चुका है। चौथे नियम की बात करें तो किसी खिलाड़ी के खराब व्यवहार करने पर अंपायर उसे मैदान से बाहर भेज सकता है। आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट की लेवल 4 की धारा 1.3 के तहत अंपायर को यह अधिकार मिला हुआ है। अगर अंपायर को महसूस हुआ कि कोई खिलाड़ी ठीक व्यवहार नहीं कर रहा तो वह इस धारा का दोषी मानते हुए उसे तत्काल बाहर भेज सकता है। इसी के साथ पांचवा नियम, अंपायर स्कोर पर अब रिव्यू बेकार नहीं होगा। कोई बल्लेबाज या फील्डिंग टीम DRS का निर्णय लेती है और अंपायर स्कोर की वजह से अंपायर का फैसला बरकरार रहता है, तब इस स्थिति में टीम का रिव्यू बेकार नहीं होगा। छठा नियम ये है कि खेल में संतुलन बनाए रखने के लिए बल्ले की चौड़ाई और मोटाई तय कर दी गई है। अब बल्ले के इस आकार का सभी को पालन करना होगा। बल्ले की चौड़ाई 108 मिलीमीटर, मोटाई 67 मिलीमीटर और कोनों पर 40 मिलीमीटर से अधिक नहीं हो पाएगी। इसके बावजूद अगर अंपायर को शक होगा तो बैट गेज यानी कि माप यंत्र से बल्ले की चौड़ाई को माप जा सकता है। साथ और आखिरी नियम बता दें तो किसी बल्लेबाज का हवाई शॉट अगर फील्डर के हेलमेट से लगकर उछला और किसी फील्डर ने उसे कैच पकड़ लिया तो बल्लेबाज को आउट दे दिया जाएगा, मगर हैंडल द बॉल की स्थिति में बल्लेबाज को आउट नहीं दिया जाएगा। अब देखना ये होगा कि क्रिकेटर्स को इन नए रूल्स के साथ मैच खेलने में कितना मजा आता है और देखना ये भी दिलचस्प होगा कि इस नए रूल्स को कितने लोग फॉलो करते हैं और कितने नहीं। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी खबरों के साथ। जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए PMS मीडिया।